दोस्तों, आज हम देखेंगे गूगल अर्थ के माध्यम से हम मैप कैसे देखते हैं। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे और सबसे पहले ये समझते हैं कि हम गूगल अर्थ ओपन कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं। एक तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में गूगल अर्थ एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लें, मोबाइल में जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल अर्थ। सेकेंड वे, आप किसी भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए गूगल अर्थ। ठीक है, तो जैसे आप गूगल अर्थ टाइप करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से खुलकर आएगा आपके सामने। अब हम इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपकी योर लोकेशन। इसमें क्लिक करेंगे तो आप अभी जहाँ पर हैं वो आपकी लोकेशन को इंडिकेट करेगा। ये देखिए, जैसे कि ये अभी हमारी लोकेशन दिखा रहा है कि हम भारत के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखना चाहें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको बता रहा है कि हम अभी भोपाल में हैं। तो ये हमारी करंट लोकेशन दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ से आप इसको 3D एंड 2D वे में देख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी ये दिख रहा है तो ये आपको ये देखिए, इसको अभी हम इसको 3D वे में देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अभी काम नहीं कर रहा, कुछ कोई समस्या आ रही है, पर हम देखते हैं फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक माउस में बॉल होती है, उस बॉल के माध्यम से आप इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्लेस देखना है तो आप ऐसे उस पर्टिकुलर प्लेस को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें नरसिंहपुरी देखना है, तो इस प्रकार से ये आपके उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, आप जितना जूम कर सकते हैं उतना जूम कर सकते हैं, जितना देखना चाहें उतना कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें एक आपके शहर नगर कस्बे सब कुछ दिखा देता है ये। तो आप इसे जूम करके और भी देख सकते हैं, कोई चौराहा, क्रिकेट ग्राउंड या फिर कोई स्थान है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। हालांकि इतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है तो आप बहुत कुछ तो देख सकते हैं। नेक्स्ट, जी देखिए, अब ये 2D 3D वे में काम करने लगा। अभी ये काम नहीं कर रहा था कि आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट नहीं किए थे। अभी आपको 3D वे में दिखा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आप जिस लोकेशन को देखना चाहें उस लोकेशंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा देखने में भी आसान रहता है, समझने में भी आसान रहता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए, कोई दूसरे लोकेशंस को मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं तो फिर से हम जूम आउट करेंगे। ठीक है, ये हम इसको, चूंकि ये 3D वे में दिख रहा है आपको तो इस प्रकार से दिखेगा, आप इसको 2D वे में कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर प्लेस में भी पहुंचना चाहते हैं तो आप ये पर्टिकुलर प्लेस में भी पहुंच सकते हैं। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ओके, अब कुछ आगे समझते हैं। ये एक मेनू बटन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मेनू दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, मैप स्टाइल्स। सेकेंड में सर्च, आप कोई पर्टिकुलर प्लेस सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हम सांची सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह से टाइप कर दें, आपको सजेशन भी दे देगा। देखिए, जिसे आपने यहाँ पर टाइप कर दिया सांची, तो ये आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में ले जाएगा जहाँ पर सांची है। तो ये देखिए, आपको दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है और रायसेन जिले में ये सांची दिखा रहा है। ठीक है, सांची का स्तूप, उसको इमेज से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सर्च किया जा सकता है।
इसके आसपास की जो लोकेशन है वो भी दिखा रही। देखिए ये नेशनल हाईवे पवल से निकला है, ये बेतवा रिवर है, पलिया खुर्द है, इसके आसपास का जो एरिया है वो आपको दिखा रहा है। ओके, और जूम इन जूम आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको पूरे सांची सिटी दिखा रहा है, जो स्तूप है वो दिखा रहा है इधर। ये देखिए इस तो ब्लॉक 2 है ये, तो इस प्रकार से आपको ये पूरी डिटेल दिखाएगा। ओके नेक्स्ट है, ये हालांकि कोई मतलब का नहीं है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। आगे ये आपकी लोकेशन दिखा रहा है, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित है ये, और मैं आपको किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशंस, एवरीथिंग, कस्टमाइज, क्लीन, तो वो आपको यहाँ से दिखा देगा। ठीक है, और इसे हम वापस करते हैं। अब इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप जैसे कहीं पर कोई रूट सर्च करना चाहते हैं, कोई पाथ सर्च करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ओके, धन्यवाद।